नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। बिहार की नीतीश सरकार के बहुमत साबित करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति में नई आशंका सामने ला दी है। उन्होंने मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद की दावेदारी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अनिल सिंह को मंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों का टिकट काटने जा रही है, जहां एक सांसद को छोड़कर सबके टिकट काटे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सूरजकुंड मेले का उद्घाटन। 18 फरवरी तक शिल्प कलाओं का उठा सकेंगे लुप्त। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा, बीजेपी अगर 2024 में आ गई तो मोदी का नाम मोदी पुतिन हो जाएगा। अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के कई जिले से आए लोगों की हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने फर्जी आरसी बनाकर गाड़ी बेचने के आरोप में सिविल लाइन के एसएचओ को लाइन हाजिर करने का निर्देश दिया है। साथ ही रेवाड़ी एसपी को पत्नी से दुराचार के मामले में नामजद सेना के मेजर को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। कमेटी ने सौंपा सीएम को ड्राफ्ट। सरकार 6 फरवरी को पेश करेगी विधेयक। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन को सता रहा है झारखंड में विधायकों की टूट का डर। शपथ होते ही हैदराबाद के लिए रवाना हुए जेएमएम कांग्रेस के एमएलए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया हमला। पुल निर्माण का काम कर रही गाड़ियों में लगाई आग। मजदूर की बाइक लेकर भी हुए फरार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनने के बाद लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा सत्र में एक ऐसा प्रयोग होने वाला है जिसकी चर्चा प्रदेश के सियासी गलियारे में हो रही है, क्योंकि सीएम मोहन यादव खुद यह नवाचार करने वाले हैं, जहां खबर है कि मंत्री परिषद में शामिल सभी जूनियर मंत्रियों को अब खास तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी से पर्यटकों और किसानों में खुशी की लहर। फसल और टूरिज्म को मिलेगा फायदा। केंद्र से बकाया मनरेगा भुगतान की मांग को लेकर कोलकाता में 48 घंटे के धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ समय से अपनी पार्टी से खफा चल रहे हैं। इसी बीच आज उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के बाद उनकी बीजेपी से नजदीकी के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि पीएम के ऊपर निश्चित ही किसी देवीय शक्ति की कृपा है। उनसे मिलकर जो अनुभूति हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वे एक देवीय शक्ति के प्रतीक हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन इंडी को मिला अंबेडकर के पोते का साथ। एमबीए से मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गुट एमबीए की सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित अरोमा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जहां कंपनी के कई कर्मचारी जान बचाने के लिए कंपनी की छत पर चढ़ गए हैं। वहीं 2 घंटे से आग पर काबू नहीं पाया गया है। अब भी लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, हालांकि अभी तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है। दिल्ली में आपने किया जोरदार प्रदर्शन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी मुख्यालय को घेरा। प्रदर्शन में बोले केजरीवाल, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलमगीर आलम और राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। वही खबर है कि चंपई सोरेन ने 5 और 6 फरवरी को विधानसभा सत्र भी बुलाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने पर कोर्ट के फैसले को लेकर चिंता जताई। बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ज्ञानवापी में जो हो रहा है उससे वो सदमे में है और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर जमकर बरस पड़े। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम भगवान से डरने की बात कहते हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री असहाय है और ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस हो चुके हैं। सर्दियों में सेहतमंद बने रहने के लिए सफेद तिल का सेवन करना चाहिए। इसमें आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है और यह इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ ही आपको ठंडे में गर्म रखने में भी मदद करता है। एनएमडीसी ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली वैकेंसी, भरे जाएंगे 120 पद। उम्मीदवार डिटेल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट www.nmdc.co.in/career पर जाकर देख सकते हैं। मराठा आरक्षण की मांग से निपटने को लेकर पार्टी नेता और मंत्री छगन भुजबल ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया है। हालांकि लंबे समय से लगाए जा रहे कयास पर खुद छगन भुजबल ने अब पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में हूँ, था और अब भी मंत्री हूँ। गुजरात सरकार ने वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट पेश किया, जहां गुजरात के वित्त मंत्री कानूभाई देसाई ने कुल 3.32 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स स्लैब नहीं लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।